बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। वीडियो की करते हैं शुरुआत। दोस्तों, हरियाणा स्कूल स्टेट गेम चल रही हैं। हमारी टेबल टेनिस की टीम जा रही है पानीपत। हमारे वहां पर टेबल टेनिस के गेम होने जा रहे हैं। अभी हम 152 डी पर चल चुके हैं और जा रहे हैं सीधा पानीपत। सभी ओके? यस सर। कहाँ चल रही सवारी? क्या कर रही? सफर करने के बाद हम पहुंच गए हैं पानीपत। पानीपत हमारे वेन्यू पर पहुंचने वाले हैं। ये लीजिए, हमारा वेन्यू आ गया है दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। अब एंट्री कराते हैं बच्चों की और चलते हैं स्कूल के अंदर। अभी पहुंच गई है दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में और एंट्री कर दी है। बच्चे वहाँ गाड़ी में जा चुके हैं। चलो चलो चलो, राइट 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 राइट, टर्न राइट, दस बजे हम वेन्यू पर पहुंच गए। हमने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया अंडर 17 का। वेरिफिकेशन के कुछ ही देर बाद हमारी टीम का अनाउंसमेंट हो गया और हमारा मैच शुरू हो गया। हमारा महेंद्रगढ़ टीम का मैच है फतेहाबाद के साथ। आप देख सकते हैं राहुल खेल रहा है और अंडर 14 के अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाकी है, तो मैं अभी लाइन में लगा हूँ हमारी टीम के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए। इसके बाद अंडर 14 के भी मैच शुरू हो जाएंगे कुछ देर के बाद। राहुल एक मैच जीत गया है और अभी सेकंड मैच चल रहा है। कपिल की बारी आई सेकंड पर। कपिल भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये देखिए कपिल ने भी पहला मैच जीत लिया है। तो मनोज सर क्या चल रहा है? सर हम जीत रहे हैं अभी। वाजी वाजी, बहुत बहुत मुबारक हो जी फतेहाबाद से। अंडर 14 का फर्स्ट राउंड शुरू हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं रुद्रा येलो टी शर्ट में खेल रहा है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से और आयुष चरखीदादरी डिस्ट्रिक्ट से परफॉर्म कर रहा है। हमारी दास टेबल टेनिस अकेडमी के दोनों प्लेयर हैं और यहाँ चरखीदादरी और महेंद्रगढ़ टीम का मैच चल रहा है और अभी देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। पहला मैच दादरी हार गया, दूसरा मैच जो है अंश का आया है, दूसरा मैच अंश का आया है और राहुल फोर्थ मैच पर आया है क्योंकि सौरव मैच को लूज कर गया और अभी बारी आ रही है फोर्थ प्लेयर की। राहुल ये मैच जीतने के चांस लग रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टेबल नंबर फोर, ये जितने भी प्लेयर हैं ये सभी बाहर हैं। अंडर 14 से भविष्य खेल रहा है दादरी डिस्ट्रिक्ट से। ये बच्चा पहली बार स्टेट लेवल के मैच देख रहा है, थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा है लेकिन ये अच्छा है, अभी शुरुआत अच्छी है। कुछ ही दिन हुए हैं भविष्य को खेलते हुए और ये स्टेट खेलने आ चुका है। बढ़िया।
टेबल नंबर टू भाई आराम बस गुड सर्विस आराम से आने दे क्या कर रहा है बस बस डालिया निकल ओहो शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया भाई मेरे लिए आजा सर का आशीर्वाद ले हार गया रे नाना टीम का सपोर्ट है सर तो हमारी 17 की टीम फतेहाबाद से जीत चुकी है और अभी फाइनल मैच चल रहा है वहां पर अंडर 14 महेंद्रगढ़ का ये लीजिए ध्रुव ने अपना मैच निकाला और ध्रुव वापस गया है रुद्रा को कुछ टिप्स बताने के लिए और देखते हैं अब ये रिजल्ट क्या रहता है हमारी अंडर 14 की टीम विन कर चुकी है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड होगा हमारा रोहतक टीम के साथ अभी यहाँ अंडर 17 की टीम आ चुकी है सेकंड चेंज के साथ आ रहा है अभी सेकंड राउंड में अंडर 14 का सेकेंड राउंड हमारा रोहतक टीम के साथ शुरू हो गया है और सबसे पहले रुद्रा खेल रहा है इसके बाद ध्रुव और फिर हर्षित खेल रहा है सर्वे चरखी दादरी का अंडर 17 का फर्स्ट राउंड शुरू हो गया है आप देख सकते हैं सामने देव खेल रहा है और पंकज देव और वंश खेल रहे हैं वहाँ से और ये हमारी जो टीम है टफ कंपटीशन होगा क्योंकि सोनीपत टीम के साथ है लास्ट ईयर टाइम की जो बेस्ट वो टीम है उनमें से है देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है मैच के बाद हमने ग्रुप फोटो ली दादरी डिस्ट्रिक्ट की और उसके बाद हमारी महेंद्रगढ़ टीम की और कुछ पल यहाँ हमने जो खेले जो प्लेयर थे सभी ने यहाँ खेला एंजॉय किया और नया अनुभव लिया उसके बाद हमने अपना लंच किया जो पेरेंट्स ने सुबह सुबह बनाया था लंच एंजॉय के बाद हम चल पड़े हैं अपने घर चरखी दादरी के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ओके बाय बाय